सी हमारे पास अब लास्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ना इसको समझने से पहले कुछ और बेसिक पढ़ने पढ़ने होंगे हमें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पहले जैसे कायरलिटी, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, एनेंटियोमर्स, डायस्टेरोमर्स, ये सब पढ़ना होगा। छोटी छोटी पढ़ने हैं, जल्दी से देखते हैं फंडे क्या होते हैं, उसके बाद देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले देखो सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल। मतलब क्या है इन दोनों का? इन दोनों का मतलब ये है, सुपर इम्पॉसिबल होता है कि दो डिफरेंट फिगर्स जिनको एग्जैक्टली हम सुपर इम्पोज करा सके, तो दोनों में कोई डिफरेंस नजर ना आए, ठीक है ना? एग्जैक्टली ओवरलैप जिसे हम कहते हैं, जैसे सपोज हमारे पास दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रुएंट, जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं। अब मैंने इस वाले ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर रखा तो मेरे को फर्क नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला है फिर ये वाला है। एग्जैक्टली सुपर इम्पोसिबल। जैसे सपोज जैसे दो सेम रेडियस के सर्कल्स, वो भी सुपर इम्पोसिबल होते हैं। मतलब कोई भी फिगर जो एग्जैक्टली कोइंसाइड कर सके दूसरी फिगर से, एग्जैक्टली दैट इज सुपर इम्पोसिबल। नॉन सुपर इम्पोसिबल क्या होता है? जो ना कर सके एग्जैक्टली कोइंसाइड। जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो मैं दूंगा वो दूंगा अपने दोनों हाथ। कैसे? मेरे हाथ, आप सोचोगे कि ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है, तो ये दोनों कोइंसाइड कर तो रहे हैं, ये कर गए कोइंसाइड, पता चल रहा है? नहीं, एग्जैक्टली कोइंसाइड कर गए ना, तो सुपर इम्पोसिबल होनी चाहिए। बट नहीं, आप यहाँ पे गलत हो। जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें कोई रोटेशन या फिर कोई भी चेंज अलाउड नहीं होता है, रोटेशन स्पेसिफिकली। जैसे सपोज मेरा एक ये हाथ है, एक ये हाथ है, तो आपने करा क्या, इसको 180 डिग्री से घुमाया और फिर सुपर इम्पोज कराया, यही करा ना? बट इट इज नॉट अलाउड। हमें करना क्या होता है, ये मेरे दोनों हाथ हैं, दिखने में लग रहा है कि दोनों सेम है बट दोनों डिफरेंट है। अगर मैं इसको एज इट इज सुपर इम्पोज कराना चाहूँ, होंगे क्या? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। कुछ भी कर लो, दोनों हाथ सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। हाँ, 180 डिग्री से करने से हो गए तो, लेकिन वो बात नहीं बनती। हम सुपर इम्पोजिबल तब कहेंगे जब इसे हम एज इट इज सुपर इम्पोज करा पाए, दैट वुड बी द केस ऑफ सुपर इम्पोजिबल। बट एज इट नाउ दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, पहली चीज। दूसरी चीज मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस आप समझते होंगे, मिरर इमेजेस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मिरर में देखें तो वो कैसे दिखेगा, लेटरली इन्वर्टेड, वही चीज है। इसकी अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं तो कैसे बनेगी, ये बनेगी, दोनों हाथ मेरे मिरर इमेजेस हैं, और बट सुपर इम्पोज नहीं करते, तो इसका मतलब क्या हुआ, माई टू हैंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ठीक है ना? ये फंडा होता है। सपोज कंपाउंड को बाद में उठाएंगे, पहले ना जनरली समझते हैं कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस क्या होंगी। सुपर इम्पॉसिबल क्या हो जाएगी, सपोज हमारे पास, मैंने यहाँ पे लिखा ए, अल्फाबेटिक लेटर लिखा ए, यहाँ से मैंने यहाँ पे मैंने मिरर लगाया, मिरर में इमेज बनेगी इसकी, कैसी बनेगी, ये तो एग्जैक्टली सेम बन गई। अब मैं यहाँ से इसे उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज करा सकता हूँ, बिल्कुल करा सकता हूँ, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो ये हुई सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। नॉन सुपर इम्पोजिबल कैसे हो जाएंगी, वहां पे सपोज मैंने कोई और लेटर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा बी, ठीक है? अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, इसकी इमेज कुछ इस टाइप से बन जाएगी, ठीक है ना? अब ये सुपर इम्पोज कर सकता है, सुपर इम्पोज कर सकते हैं, मतलब ही होता कुछ भी कर लो सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। हाँ, पर अगर आप वही फिर जुगाड़ लगाओ कि इसको 180 डिग्री से घुमा दें, फिर तो वो सीधी सी बात है ना, आपने इसको यही बना दिया, क्योंकि मिरर इमेज लेते समय हमने करा क्या था, उसको 180 डिग्री से ही तो घुमाया है, मिरर इमेज का मतलब यही तो है। अगर आप उसको एक और बार 180 डिग्री से घुमा दोगे तो वो तो एग्जैक्टली ये बन जाएगा, वो तो फिर सेम चीज बन गई ना, बट हमें इसे एज इट इज सुपर इम्पोज कराना है, वो नहीं कर पा रहे। सो दीज आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस, ठीक है? तो ये फंडा हुआ सुपर इम्पोसिबल और नॉन सुपर इम्पोसिबल का। नेक्स्ट फंडा है हमारा काइरल, काइरलिटी। कायरलिटी, कायरलिटी क्या होता है, कायरलिटी इज द बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ अ यू कैन से अ कंपाउंड, उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग दैट कंपाउंड फॉर्म्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस।
वो कंपाउंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस बनाता है, ठीक है। तो इन दैट केस दैट वुड बी कायरल। कायरल के लिए एक और कंडीशन होती है, क्या दूसरी कंडीशन? कंडीशन नहीं, बस बेसिकली मैं कहूंगा कि अगर वो ये सेटिस्फाई करता है देन इट इज कायरल, अगर वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है इवन देन इट इज कायरल। बेसिकली अगर ये सेटिस्फाई करता है तो वो ये भी करेगा, ये करता तो ये भी करेगा, दोनों की दोनों बात एक ही है, बस देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे मैंने ये बनाया, ये कंपाउंड थोड़ा अजीब सा नहीं है, एक ही कार्बन पे चार ग्रुप्स लगे हुए हैं, चलो वो तो ठीक है, लेकिन चार ग्रुप्स डिफरेंट है, तो ये प्रॉपर्टी होगी कायरल कि एक कार्बन ये तो ऑब्वियस है कि वो चार बॉन्ड्स बना सकता है। हाँ देखो कायरल में ना, अब जो भी कार्बन देखोगे दैट मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब वो कोई डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, इट शुड फॉर्म ओनली 4 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। अगर वो चारों सब्स्टिट्यूएंट्स जो भी उस कार्बन से जुड़े हुए हैं डिफरेंट हैं, देन इन दैट केस दैट कार्बन वुड बी कायरल, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे एक स्टार से, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कायरल कार्बन, कायरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसके वजह से इस कंपाउंड में कायरल नेचर आ पा रहा है, ठीक है ना। अब देख लो इसकी मिरर इमेज अगर बनाओगे भी तो क्या होगा, OH यहाँ पे आ जाएगा और CH3 उस साइड चला जाएगा, तो सुपर इम्पोज नहीं कर सकते ना, बस ये केस है हमारा कायरलिटी। तो कायरलिटी ये हुआ, अच्छा क्या बात हुई थी, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। जो भी कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाता है देन दोस टू नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स देखते हैं अब क्या होता है।